हाथी की तलाश करते करते आज हम झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजरप्पा धाम की भूमि पर पहुंचे हैं। ये दामोदर नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यहाँ माता रानी विराजमान है। आज हम राजरप्पा के थोड़े ही दूर पे मौजूद एक ऐसे जंगल पे पहुंचे हैं जहाँ पे 20-25 हाथियों का झुंड पहुंचा हुआ है। हमारा सफर आज शुरू होता है बारिंदा से और अभी हम बस से निकल चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बारिंदा का पहाड़ है और अब हम इससे निकल के सिल्ली पहुंच चुके हैं। सिल्ली से अब हम गोला रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। ये मुरी टुंगरी पार्क है और इसी के सामने जो पहाड़ है उन्हीं पहाड़ों से निकल के ये जो झुंड है वो उस क्षेत्र में गया है। ये सामने जो भी पहाड़ आप देख रहे हैं ये बरलंगा का पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों से होते हुए धीरे धीरे वो झुंड आगे बढ़ा है और फिलहाल में राजरप्पा दामोदर नदी के उस पार गोमिया रेंज पे पहुंचा है। इसी झुंड की तलाश पे साथियों आज हम निकल चुके हैं, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। और अभी हम गोला पहुंचने वाले हैं, यहीं से आगे की रास्ता मिलती है और हमारे साथ में यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद हैं जो हमें आगे सफर पे ले जा रहे हैं। कल इन्हीं क्षेत्रों पे हाथी रुका था, ये जो जंगल आप देख रहे हैं इसी जंगल पे कल हाथियों का झुंड रुका हुआ था जो आज सवेरे ही यहाँ से आगे बढ़ा और दामोदर नदी पार करके गोमिया रेंज पे पहुँच गया। इस झुंड को आप सभी जानते हैं और ये झुंड काफी सालों से हमारे पांच परगना क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इस झुंड में तकरीबन 22-25 हाथी मौजूद हैं और यह एक हाथियों का बड़ा झुंड है जिसमें बच्चे और बड़े हाथी भी मौजूद हैं। तो साथियों सफर का मजा लीजिए और अभी कुछ ही देर में हम जंगल पहुंचने वाले हैं और जंगल पहुंच के आपको हाथी भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हाथी से जुड़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये राजरप्पा का क्षेत्र है। अगर आप कभी राजरप्पा मंदिर आए हैं तो इस क्षेत्र को भली भांति जानते होंगे। यहाँ भी काफ़ी घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों से होते हुए हाथी का झुंड गुजरा है। इस क्षेत्र में देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगल हैं और अभी हम इसी जंगल पे जाने वाले हैं, इन्हीं जंगलों पे हाथी मौजूद है। यह राजरप्पा का प्रवेश द्वार है और अभी हम प्रवेश द्वार के सामने में मौजूद हैं। ये हमारे पीछे में राजरप्पा का जो परिसर है और वो सामने मंदिर भी आप देख सकते हैं। यहीं से रास्ता आगे की ओर बढ़ती है जहां से हम आगे जाएंगे और गोमिया रेंज पे जाने के बाद में हम हाथी की तलाश शुरू करेंगे। यहां से कुछ दूर निकलते ही जंगल पे हमें कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिला जहां पे नदी के किनारे माता रानी का मंदिर स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां की जो दैविक मान्यता है वो बहुत अधिक है। यहाँ दूर दराज से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये दो नदी का संगम है, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरे तरफ भेंडरा नदी नाम का एक छोटा सा नदी है वो भी यहाँ पे मिलता है। इसी के संगम स्थान पे माता रानी का मंदिर स्थित है। यहाँ से निकल के अब हम आगे बढ़ते हैं जंगल की ओर। यहाँ के जंगल साल जंगल है पर यहाँ के जंगलों में महुआ के पेड़ भी बहुत सारे मौजूद हैं और साल जंगल अभी हरे भरे हैं जिस कारण जो हाथी है वो इन जंगलों पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इनके जो नए पत्ते अभी निकल रहे हैं उन पत्तों से हाथी अपना पेट भर सकते हैं और बच्चों के लिए भी ये एक आसान आहार हो सकता है। यहाँ मैंने देखा हमारे क्षेत्र में जिस तरह से ऊँचे ऊँचे पहाड़ मौजूद है इस क्षेत्र में उस तरह के पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं।
यहाँ छोटा समतल पठार वाला जंगल है और जंगलों में साल की जो पेड़ है वो बहुत आयत मात्रा में पाई जाती है। हम जंगल पे पहुँच चुके हैं। ये कुसुमडी नाम का एक गांव है और उसी के सामने एक जंगल है। बीते रात इसी गांव पे हाथी पहुँचा था, तो गाँव वालों के साथ अब हम हाथी की तलाश शुरू करते हैं। जंगल काफ़ी घना है और काफ़ी खतरनाक है। कुछ दूर तक हम यहाँ बाइक से सफ़र करेंगे और आगे में जहाँ पे कल हाथियों को देखा गया था उस जगह पे हाथी तलाश करने का कोशिश करेंगे। ग्रामीण भी हमारे साथ में पहुँचे हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका अनुभव हमें हाथी खोजने में मदद करेगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंगल सूख चुका है और ऊपर जो पत्ते हैं वो हरे हरे हैं। पर अभी के समय में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जो आगे वीडियो पे आप लोग देखें कि आग भी लगा हुआ था। तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी से यही कहना चाहूँगा कि जंगल में आग न लगाएं। ये बहुत से छोटे बड़े जीव जंतुओं का घर होता है और किसी के घर को उजाड़ना नहीं चाहिए। अगर जानवर के घर को हम उजाड़ेंगे तो जानवर भी रहने के लिए हमारे गांव के आसपास ही पहुंचेंगे। जंगल में आग लगाना बहुत ही निंदनीय कार्य है और ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमें जंगल को बचाना होगा क्योंकि ये हमारा विरासत है और जंगल है तो हम है। अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो हम मनुष्यों का जो अस्तित्व है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं जंगल पर और ये बहुत ही घना और बहुत ही खतरनाक जंगल है। ऐसे जंगलों पे वाकई में हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सपाट है और कहीं से भी हाथी निकल सकते हैं और हमारे ऊपर में जानलेवा हमला कर सकते हैं। यहाँ भागने के सिवा आपके पास में बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। ऐसे जंगल पे आप छिप नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सपाट है और चारों तरफ देखा जा सकता है। हाथी भी हमें आसानी से टारगेट कर सकता है, इसलिए ऐसे जंगलों पे हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसे जंगलों पे हाथी आते हैं तो हमें जंगल से दूर रहना चाहिए। अभी के समय में बहुत से लोग महुआ चुनने के लिए भी जंगल पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें हाथी के प्रमाण मिले हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे जब हाथी का झुंड आया होगा तो उनका गोबर यहाँ मौजूद है और ये जंगल का दृश्य हम आप लोग को दिखाते हैं। पर जंगल दोस्तों इतना बड़ा है कि यहाँ पे हाथियों के झुंड को खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। हमने काफ़ी देर तक इस जंगल पे छानबीन किया पर अभी तक हमें हाथी देखने को नहीं मिला, सिवाय उसके कुछ कुछ फुटप्रिंट के हम यहाँ पे हाथी नहीं देख पाए हैं और अब हम घर के ओर निकल रहे हैं। आज का सफ़र दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे कोशिश करेंगे इन हाथियों को दिखाने का। अगर ये कहीं पे निकलते हैं तो हम आपको ये हाथी भी दिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाथी से जुड़ी हुई जानकारियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यह झुंड काफ़ी सालों तक हमारे क्षेत्र में रहा और इससे पहले भी ये एक बार ललपनिया जो लुंगुबुरू पहाड़ है उस क्षेत्र का दौरा किया था और इस बार भी उसी रूट पर आगे बढ़ा है। तो दर्शकों सतर्क रहें, सावधान रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। जोहार।